सुभाष महरिया के समर्थन में जनसभा की, जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। जी आपको बता दें, सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश में घृणा और भय का माहौल है, देश के खराब हालत से लोग घबराए हुए हैं और कांग्रेस देश में वापस शांति लाना चाहती है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि देश में शांति और अमन चैन रहे और कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, इस लिहाज से भी ये चुनाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इंदिरा जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी लेकिन कभी देश के लिए राजनीति नहीं की। लेकिन मोदी सर्जिकल स्ट्राइक को खुद की उपलब्धि बताते हैं, जबकि ये काम तो सेना ने किया और हमें अपने जवानों पर फक्र है। मोदी के अच्छे दिन न आए और न ही काला धन वापस आया और अमित शाह 50 साल राज करने की बात कहते हैं लेकिन जनता वोट देगी तो ही वे देश में शासन करेंगे। जब जनता चुनेगी ही नहीं तो पीएम कैसे बनेंगे? और आज मोदी को 5 साल का लेखा जोखा पेश करना होगा। वो बताएंगे कि देश के लिए आगे क्या करने वाले हैं और अब तक तो कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीकर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर निशानेबाजी की और यहाँ पर सुभाष महरिया के समर्थन में वोट की अपील की और जनता को कहा कि सही सरकार चुने।